हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। एंड आज के इस वीडियो में हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे द स्नेक ड्राइंग पोएम। तो ये बहुत अच्छी एंड ईजी पोएम है जिसमें हमें एक मॉरल भी मिलता है। तो बेसिकली इसमें एक ग्रीन कलर का स्नेक होता है जो सैंड पर लेटा होता है। वो पूरी तरह से हार्मलेस होता है, वो इतना हार्मलेस होता है कि वो बच्चों तक को चोट नहीं पहुँचाता, बट स्टिल लोग उसे स्टिक से मारते हैं। एंड यू नो वाई इट इज सो? इट इज़ सो बिकॉज ऑफ अ मिसकंसेप्शन जो लोगों को होता है कि सारे स्नेक्स हार्मफुल और वेनमस होते हैं। बट नो, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। ज़रूरी नहीं है सारे स्नेक्स हार्मफुल हों और जहरीले हों। एंड दैट्स वॉट द पोएट ऑफ दिस पोएम WW Eros वॉन्ट्स टू से। एंड फॉर दैट ही टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रीन स्नेक जिसने कुछ भी नहीं किया, बट स्टिल लोग उसे मिसकंसेप्शन की वजह से स्टिक से मारने के लिए दौड़ते हैं। एंड स्नेक को भी अपनी लाइफ सेव करने के लिए भागना पड़ता है। बट डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द पोएम द स्नेक सेव्स इटसेल्फ बाय कैमोफ्लाजिंग इन द रीड्स। रीड्स होते हैं वाटर के पास के प्लांट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इस पोएम में पोएट एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं और वो है स्नेक की मूवमेंट। पोएट को स्नेक की मूवमेंट ब्यूटिफुल एज वेल एज ग्रेसफुल लगती है। तो ये दो एडजेक्टिव्स याद रखना। एंड यू नो वाई द पोएट सेज दिस? इट इज़ बिकॉज सी, जब स्नेक मूव करता है तब वो कितने ब्यूटीफुल कर्व्स बनाता है, लाइक वेव्स। ये एक तरह की उसकी zigzag मूवमेंट होती है। तो अब स्नेक तो बच गया, पर लोगों के मिसकंसेप्शन का क्या? एंड दैट्स वेयर द मॉरल ऑफ दिस पोएम कम्स। सो द मॉरल इज, सबसे पहले हमें लोगों के दिमाग से ये मिसकंसेप्शन हटाना होगा कि इससे पहले स्नेक हमें मारे, हम इस स्नेक को मार देते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड अगर आपको कभी स्नेक दिखता भी है तो आप उससे दूर रहो, बट उसे फालतू में मारो मत। सो दैट वॉज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। द होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, वेयर डिड द स्नेक हाइड आफ्टर बींग स्पॉटेड? मतलब कि जब स्नेक को देख लिया गया था, उसे नोटिस कर लिया गया था, फिर वो कहाँ छुप गया? क्योंकि आपने वीडियो एंड तक देखी है तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। द स्नेक कैमोफ्लैश्ड। तो स्नेक का कलर आपको याद होगा, और उस कलर की कौन सी चीज़ थी आसपास सीन में जहाँ पर वो कैमोफ्लैज कर सकता है? कैमोफ्लैज का मतलब मैंने आपको बताया था। सो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड होमवर्क हीरोज के बारे में मैंने आपको बताया था। इफ़ यू डोंट रिमेम्बर इट, देन यू कैन सिंपली वॉच माई फर्स्ट वीडियो विच इज़ ऑफ माई चैनल इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है।